के पास जिसको मैंने हिमोहिम एडवाइस किया था, तो हिमोहिम यूज करके उनको कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो उनके पास जा रहा हूँ मैं। वो पेशेंट गुवाहाटी में ही रहता है, कैंसर पेशेंट है। चलिए उनसे एक बार फीडबैक लिया जाए, फीडबैक लेके क्या होता है सभी चीज आप सभी के बीच में डिस्कस किया जाए। चलिए वीडियो शुरू किया। मैं आज प्रताप सिंह देवरी जी के घर में आया हूँ, जिनका उम्र है 59 इयर्स। 2018 में उनको CA इसोफेगस का डायग्नोसिस हुआ था, उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के बाद से उन्होंने ऑलमोस्ट 2021 दिसंबर तक पूरा नॉर्मल ही था। एक्चुअली नॉर्मल ही था वो, ही कैन वॉक, ही कैन राइड, गाड़ी भी चलाता था, यहाँ वहाँ घूमता भी था, अपने नॉर्मल लाइफ में पूरा बैक हो गया था आफ्टर ऑपरेशन। उसके बाद फिर से 2022 जनवरी से उनका प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया। उनका कफ शुरू हुआ था, एक्चुअली बहुत ठंडा का मौसम था उस समय जनवरी में गुवाहाटी में, तो उस समय बहुत ठंडा था और उसी ठंडक में उनको खांसी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उनको मालूम चला कि उनको ये जो बीमारी इसोफेगस में था ऑपरेशन के बाद नॉर्मल हो गया था, तो वही बीमारी फिर से उनको लंग्स में आ गया था और ट्रेकियो इसोफेजियल मतलब एक फिस्तुला भी बन गया था और बीमार लीवर में भी स्प्रेड हो गया था। तो 2022 जनवरी के बाद उनका मतलब इलाज चल ही रहा था, लेकिन मई के लास्ट वीक में उनका बहुत ज्यादा तकलीफें शुरू हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। उसके बाद उनको हम लोग का गुवाहाटी का एक नामी हॉस्पिटल हेल्थ सिटी हॉस्पिटल के ICU में एडमिट करना पड़ा और उनको वेंटिलेटर में भी रखना पड़ा। तो वेंटिलेटर में रखने के बाद धीरे धीरे वेंटिलेटर हटाया, उसके बाद उनको केबिन में भी लाया था, लेकिन कंप्लीट बेड रिडन हो गया था, बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कंप्लीट बेड रिडन। और शायद केमो टेबलेट शुरू किया था उनको, क्योंकि केमो इंजेक्शन देना मुश्किल था, बहुत ज्यादा वीक था, तो केमो टेबलेट शुरू किया ही था, लेकिन वीकनेस के कारण से उनको खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसके बाद उन लोग का मतलब पेशेंट का भाई है, मेरा फ्रेंड जैसा ही है, मेरा भी मतलब ब्रदर जैसा ही है, तो उनको मैं मिला, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। तो डिस्कस करने के बाद मैं उनको हिमोहिम एडवाइस किया था और पेशेंट को 4 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके लाया था 4 जून को, और 6 जून से हिमोहिम उन लोग ने शुरू किया था। आज हो गया आपका 26 जून, ऑलमोस्ट 20 डेज हो गया। तो इस 20 डेज में उन लोग का पेशेंट का जो रिजल्ट है, एक मार्वेलस रिजल्ट है। पेशेंट कैन वॉक नाउ, जो पेशेंट बिस्तर पे सो रहा था वो पेशेंट अभी पैदल चल सकता है, ठीक से बात कर पाते हैं। जो पेशेंट का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था वो पेशेंट अभी मुंह से बात कर सकता है, अभी वो मतलब जो खाने का रुचि है वो भी पहले से बढ़ गया है। तो ये सब मैं जहाँ तक मुझे मालूम है, या हिमोहिम का बारे में जो जितना मैं स्टडी किया हूँ, तो ये कॉमन एक रिजल्ट है जो सभी आदमी को होता है। तो आज मैं उन लोग के घर में आया हूँ, प्रताप सिंह देवरी सर के घर में आया हूँ, और उनका वाइफ मेरे साथ है, तो उनसे मैं ये हिमोहिम लेने के बाद से कैसे कैसे उनको रिजल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा मैं मतलब उनसे डिस्कस करूंगा, ताकि ये वीडियो सभी भारतवासी सभी आदमी के पास जाए और सबको ये वीडियो ये हिमोहिम के बारे में कम से कम एक रिजल्ट के बारे में तो सबको पता चले। अगर किसी का मम्मी, किसी का भाई, किसी का बहन अगर घर में ऐसे बिस्तर पे लेटे हुए है, कुछ दवाई नहीं हो रहे है, दफ्तर को दिखाने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहे है, तकलीफें ही तकलीफें महसूस हो रहे हैं, घर में सभी को परेशानी हो गए हैं, तो उनके लिए ये टेस्टिमोनियल, ये जो रिजल्ट उनके लिए बहुत काम में आने वाला है। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि हिमोहिम से उनके भाई या उनका माता पिता को भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए आज ये वीडियो में बनाने के लिए आ गया मैं प्रताप सिंह देवरी जी के घर में। तो चलिए मैं उनके वाइफ से मैं 2-3 चीज में पूछ लेता हूँ उनको क्या हुआ है हिमोहिम लेने के बाद। ঠিক আছে বাইদেউ, আপনি কওকচোন কেনেকুৱা পাইছে দৰৱটো হিমোহিমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ হাজবেণ্ডে? ছাৰ, আমিতো হেলথ চিটিত 14 মে'ত ভৰ্তি কৰিছিলোঁ, 14 মে'ৰ পৰা 4 মে'লৈকে থাকিলোঁ, 4 জুনলৈকে থাকিলোঁ। তেওঁৰ অৱস্থাটো বহুত হেৰি আছিলে, বহুত উইক আৰু ভুল চকীতে মানে হেৰি কৰিব লগা হৈছিলে, পেচা পায়খানা বিচনাতেই কৰিছিলে,
তাৰপিছত তথাপিতো ইমান দীঘলীয়া হ'ল যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টটো ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ অনাৰ পিছতো ঘৰত দুই তিনিদিনমান তেনেকুৱাই আছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ পৰা আমি যেতিয়া হিমহিমটো আনিলোঁ অনাৰ লগে লগে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁ নিজে উঠিব পৰা হ'ল উঠি আৱাজটো আগতে একেবাৰে নাছিলে আমাক যি কৈ চব লিখি লিখি দিছিলে কিবা বস্তু লাগিলে কিবা পেচাব কৰিব গ'লে যি হ'লে মানে কাগজত লিখি লিখি দি আছিলে আমাৰো বহুত বেয়া লাগে আৱাজটো নাই যেতিয়া আৱাজটো আহিলে অলপ অলপকৈ আৱাজটো এতিয়াতো আপুনি গম পাইছে আৱাজটো নিজে কথা কৈছে যদিও ইমান স্পষ্ট ন স্পষ্টয়ে হয় কিন্তু ইমান ফ্ৰীকৈ ক'ব নোৱাৰে হেৰিটো আৰু তাৰপিছতে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাতে ইমান ট্ৰিটমেণ্টছ লাইন ইনজেকশ্যন কণ্টিনিউ দি থকাৰ পিছতো যিহেতু মানুহটো উঠিবই পৰা নাছিলে এতিয়া মানে ভাবিছোঁ হয়তো হিমহিমটো হোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ দেহৰটোৰ লগতো কথা পাতিছোঁ সেইকাৰণে ছাৰ মই দ্বিতীয়টো হেৰিও আপোনাৰ পৰা ল'ম বুলি হেৰি কৰিছোঁ অনলাইনত এপ্লাই কৰি দিব গৈছোঁ গতিকে সেইটোৰ কাৰণেই হোৱা বুলিয়ে মই এতিয়া ধৰি লৈছোঁ আৰু যদিও আমাৰ ইমান জ্ঞান নাই হিমহিমৰ বাহিৰে হেৰি বিষয়ে তথাপিতো মই চাইছোঁ হেৰিটো হিমহিমটো মানে চাৰ্চ কৰিলোঁ মই পঢ়িও চাইছোঁ তেওঁ পজিটিভ হেৰিবিলাকেই দিছে তাত সেইকাৰণে মই মনতে ভাবি লৈছোঁ এইটো এটা পজিটিভ হেৰি বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে সেইটো হোৱাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁ এতিয়া নিজে বাৰাণ্ডাত ঘূৰি গোটেই ঘৰটো ঘূৰি ইফাল সিফাল চাই আগতেতো ধৰি পেলাই লৈ যাব লাগে বাথৰুমত ধৰিয়ে নিব লাগে এতিয়া নিজে যাব নিজে যাব পাৰে এতিয়া নিজে পায়খানা কৰিব যায় নিজে চব ধোৱা পখলা কৰি লৈ অকলে হেৰি কৰে বাৰাণ্ডা চাণ্ডা চব ঘূৰি ফুৰে গতিকে ভাবিছোঁ সেইটোৱে হয়তো তেওঁক অলপ স্ক্ৰেমটো দিছে আৰু কাৰণ হস্পিটেলৰ পৰা আমি অনাগত চেলাইনো দি আছিলোঁ তথাপিতো তেওঁ উঠিব পৰা নাছিল আপুনি ধৰক আপোনাৰ আজি স্বামীৰ হিমহিমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট এটা আহিছে আমিও তাৰ কাৰণে খুব মানে ধন্য আমিও ঈশ্বৰক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে তেওঁ সদায় সুস্থ হৈ থাকক তো কথা হ'ল আপোনাৰ এটা ৰাইজলৈ এটা মেছেজ আপুনি এটা আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি মেছেজ দিব বিচাৰে যদি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা কাৰোবাৰ হৈ আছে আপুনি কেনেকুৱা মেছেজ দিব বিচাৰে যিকোনো এনেকুৱা যদি কিবা যিহেতু হিমহিমটো বহুত বেমাৰৰ কাৰণে হেৰি হয় গতিকে যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা ঘৰত বেমাৰী আছে গতিকে টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা যদি একো অভাৱ নহয় পৰাপক্ষত এইটো মানে ইউজ কৰিলে মানে মই ইউজ কৰিবলৈ মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ বাইদেউ থেংক ইউ থেংক ইউ এইটো খাই পেলাই আপুনি কেনেকুৱা পাইছে এইটো কমত দিছে ভাল লাগিছে